ये कहना कि वानखेड़े पर दबाव में इसलिए बना रहा हूं कि दामाद का केस हल्का हो जाए। 8.5 महीने तक उस मामले पे कभी मैंने कोई भी वक्तव्य नहीं किया। लगातार आप लोग बोलते रहे कि इनका दामाद ड्रग के केस में बंद है, लेकिन कोर्ट ने जमानत दी। पिछले महीने की 13 तारीख को वो ऑर्डर सामने आई, उसे फंसाया गया, ये साफ है। न्यायालय में लड़ाई चल रही है, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जो जानकारी मुझे है कि वानखेड़े जब से इस डिपार्टमेंट में आया, उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ा की। उस प्राइवेट आर्मी में किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, फ्रेचर पटेल, आदिल उस्मानी, सैम डिसूजा, हीलू पठान, ये सारे लोग आपके प्राइवेट आर्मी के प्लेयर हैं। प्राइवेट आर्मी इस शहर में धड़ल्ले से ड्रग का कारोबार भी करती है। छोटे छोटे मामले उजागर होते हैं, लोगों को फंसाया जाता है, और धड़ल्ले से बड़े मामले इस शहर में चल रहे हैं। और मैंने लगातार कहा कि वानखेड़े के जरिए 1000 करोड़ रुपए की उगाही हुई है। आर्यन खान के मामले में जो साली का बयान है कि 18 करोड़ की डील हुई थी, 8 करोड़ रुपया वानखेड़े के लिए मांगा गया था, सैम डिसूजा सामने आ गया है, वो कह रहा है कि इस तरह की डील थी। सैम डिसूजा भी इनके प्राइवेट आर्मी का ही प्लेयर है। इतने दिन से सैम डिसूजा का नाम चर्चा में है, वो कभी सामने नहीं आया। इसे भी सिखा के समझा कर भेजा गया, और वो कह रहा है कि एनसीबी के लोग उसमें नहीं थे। तो एनसीबी के कार्यालय में किरण गोसावी क्या कर रहा था? एनसीबी के डायरेक्टर के पीछे पोर्ट पे किरण गोसावी कैसे खड़ा था? कैसे 13 लोगों की तस्वीरें चिन्हित करने के लिए सभी को बांटी गई थी? किस तरह से डीजी एनसीबी कह रहे थे 3 तारीख के रात में कि देश के इतिहास में पहली बार मिड समंदर में एक कार्रवाई हुई है? दावा किया जा रहा था कि 15 दिन से प्लानिंग चल रही थी। पूरा फर्जीवाड़ा ये जो है, ये वानखेड़े रच रहा था। हमने पहले दिन से गोसावी पे सवाल खड़े किए, भानुशाली पे सवाल खड़े किए, हमने फ्लेचर पटेल पे सवाल खड़ा किया, हमने 3 लोगों को क्यों छोड़ा ये सवाल खड़ा किया, लेकिन हर बार सत्यमेव जयते कर भागने लगे। ये फर्जीवाड़े का खेल ये छोटा मोटा नहीं। 15 ऑफ 2020 एक केस समीर वानखेड़े के आने के बाद एनसीबी ने दर्ज किया है। उसी केस में सारा अली खान को हाजिर कराया गया। उसी केस में श्रद्धा कपूर को बुलाया गया। उसी केस में दीपिका पादुकोण को बुलाया गया। सारी फिल्म इंडस्ट्री को 15 ऑफ 2020 की केस में बुलाया गया। आज तक ना वो केस बंद हो रहा है, ना चार्जशीट हो रही है। ऐसा क्या है कि 14 महीने तक कोई केस बंद ही नहीं होता है? इसी केस के तहत 1000 करोड़ रुपए वसूली गए, और हमने कहा कि उगाही मालदीव में हुई है। 2 तस्वीरें हमने डाली, एक दुबई की, एक मालदीव की। ये कह के भाग जाना कि मैं दुबई कभी नहीं गया, बहन दुबई गई थी। आप मालदीव में थे। मालदीव का दौरा कोई आसान नहीं होता, इतने लोग जाएंगे तो 20-30 लाख रुपए का खर्चा। ये जांच करे
एनसीबी की विजिलेंस टीम के इसका खर्चा किस अकाउंट से किया गया? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।